सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज सेती घर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन नेह चल राज कमाओ जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज सेती घर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन नेह चल राज कमाओ तुम घर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आपने वारे आपदा पई बेतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन पाजन थाके कर मंगल वाजे नित वाजे अपने खसम निवाजे अस्थिर रहो डुलो मत कबहू गुर कै बचन आधार जय जय कार सगल भू मंडल मुख उज्जल दरबार जिनके जीत नहीं फेरे आपे भया सहाई अचरज किया करण हार नानक सच वड्याई जिनके जीत नहीं फेरे आपे भया सहाई अचरज किया करण हार नानक सच वड्याई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल सर्व कला समर्थ सतगुरु चवर शतर तख्त दे मालक जाहरा जहूर अते हाजरा हजूर धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभायमान महान पवित्र स्थान गुरद्वारा दीवान स्थान मंजी साहिब हाल विखे बैठ के अते दूर नेड़े अपने घरां च गुरबाणी कीर्तन दे राही परम पिता वाहिगुरु जी दे प्यार विच जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी वाहिगुरु जी की बख्शिश होई है जिथे अमृत वेले सचखंड श्री दरबार साहिब जी दे दर्शन दीदार करन दा अमृत बाणी कीर्तन सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है उत्थे जो अमृत वेले सतगुरु जी ने पवित्र मुख वाक बख्शिश कीता है
उस दी विचार करन दे लई आप जी सरवण करन दे लई गुरु हजूरी विच जुड़ बैठे हो। अज दा ये पावन मुख वाक पंजवें सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज दा बख्शिश कीता होया तनासरी राग विचों आप जी सरवण कर रहे सी। परमात्मा ने यह जो सृष्टि बनाई है बड़ी अद्भुत रचना है। इस धरती दे उपर सब तो उत्तम बनाया इस मनुख नू। मनुख दे अंदर एक भुख रखी है, वह है अगे वधन दे लई, उच्चे उठन दे लई कि जिंदगी च मैनू सारे सुख मिल जाण, सारा आनंद मिल जाए, मैं जिंदगी दा राज मान के जावां। परमात्मा ने मनुख नू बनाया, इस धरती दा राजा ही है। भगत जी का एक बचन पढ़ते हैं ना कि नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पया भिखारी, अछत राज बिछर दुख पाया, सो गत पई हमारी। असी इस धरती के राजे हाँ, सानू राज मानने लिए परमात्मा ने भेजे है, पर वो राज की है, वो राज मिल किवें सकदा है, इस गल की सोझी सानू नहीं है। असी अपनी मत अनुसार इस धरती के कुछ खिते ते अपने कब्जे नूं राज कहिंदे आ, कुछ लोगों के उपर अपनी डांग सोटा चलाउन नूं अपना राज कहिंदे आ, दुनिया की धन दौलत नूं एकत्र कर लैण च असी अपनी वडियाई गिणदे आ। जिन्ना असी अपने यतनां दे नाल अपनी मन की मत मगर लग के उच्चे उठण दा यतन करदे आ जां सुखी होण दा यतन करदे आ, उन्ना असी दुखी हुंदे चले जांदे आ। दुख परमात्मा ने नहीं बनाए, कुदरत दा एक सृष्टि दा निजम है। जदों भी तुसी कानून दे उल्ट चलोगे, नदी दा वहाव चल रहा है ना, नदी दे अनुसार चलोगे नदी आपे तुहानूं रोड़ी जाएगी, लेकिन जदों नदी दे प्रवाह दे उल्ट चलोगे फिर वह तुहानूं तकेगी, फिर तुसी नदी नाल संघर्ष करोगे, तुहानूं नदी दुखां दा कारण नज़र आएगी। इस तरीके जिंदगी दे अंदर जे असी रब्बी रज़ा नूं समझ लईए, ये जो सब कुछ बनया ये कोई एवें नहीं चल रहा, ये सब वाहिगुरु जी के हुक्म च किसी सिस्टम किसी रजा चल रहा है। गुरु रामदास जी महाराज के बड़े प्यारे बचन आसा राग के छंतां च आपां कीर्तन च भी सरवण करते हैं। आसा दी वार दा जद कीर्तन हुंदा है, तू हर तेरा सब को सब तुद उपाय राम राजे, किछ हाथ किसी दे किछ नहीं सब चलें ही चलाए, जिन तू मिलें सो तुद मिले जो हर मन पाए। सतगुरु जी कहिंदे वाहिगुरु जी तुसीं हर किसी दे, हरी दा अर्थ है हर किसी दा, हर थां ते हर वेले। वाहिगुरु जी तुसीं हर किसी दे हो, सारे जीव तुहाडे पैदा किए हुए ने, ये तुहाडे हुक्म च ने, जिदा तुसीं चलाउंदे हो तिवें ये जीव चलते ने। जिन्हां नूं वाहिगुरु जी ने अपने नाल मिलना हुंदा है उन्हां नूं गुरु की हजूरी च लै आउंदे ने। नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुरु पाया, ये जीव बहुते जन्म भरमे आ तां सतगुरु शब्द सुना आ। वाहिगुरु जी की बख्शिश हुंदी है, गुरु की हजूरी च आ जांदा है, गुरु राही मनुख परमात्मा दे प्यार जुड़ जांदा है। पर जदों कोई मनुख अपने जतनां दे राही रब्बी रजा नूं ना जाणदिआं होइआं, असी जिस जगत विच रह रहे हां इत्थे दा आपां देखिए, किसी भी संस्था नूं चलाउण लई कोई सिस्टम हुंदा है, इन्नी ट्रैफिक चल रही है, हवाई ट्रैफिक चल रही है, उहदे लई कोई ट्रैफिक दे रूल एंड रेगूलेशन हुंदे ने, उन्हां अनुसार चलीए तो साडा सफर सुखदाई हो जांदा है। जदों असीं उन्हां दी उलंघना करांगे फिर रस्ते च रुकावटां होणगीआं, एक्सीडेंट होणगे। आपां देखदे हां मशीनरी दा युग है, मशीनां दे विच कितनियां गरारियां हुंदियां ने, उन्हां गरारियां दी इंजीनियर ने चाल नियत कीती हुंदी है। जदों कोई वह गरारी ठीक चाल नाल चलदी रहिंदी है, मशीनरी गड्डी कार ठीक चलदी रहिंदी है, पर जदों ही वह वध घट हुंदी है उदों आप भी टुटदी, बाकी मशीनरी का नुकसान भी करती है। आकाश च आपां कदी देखिए नज़र मारीए, सुते पिया ना एक चंगियाड़ा जिहा धरती नूं डिग दे। बुजुर्ग क्या करते सन, ये तारा टुट गया है। अज दे विज्ञान नूं पुछिए तारा की चीज़ है, वह कहिंदा ये तारा साडी धरती वर्गी एक बहुत वड्डी धरती सी, ग्रह सी, पिंड सी, पर कुदरत ने यह जिन्ने पिंड ने, सूरज है, चंद्रमा है, तारे ने, इन्हां दी कोई चाल नियत कीती है। जदों ये अपनी चाल तो अगे पिछे होंदे ने वो पिंड वो धरतियां तबाह हो जांदियां ने, ये अज दी साइंस ये गल कहिंदी है। बिल्कुल इस तरह परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि का कोई निजम बनाया है जिन्हों आपां रजा कहने, जिन्हों आपां भाणा कहने। गुरु के बचन रोज़ पढ़ते, हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। गुरमत का जो मुख तुरा है वह है हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਸਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਨ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਆਂਢ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣਿਆ, ਜਾਰਜ ਸਟੀਫਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਣਦਿਆਂ ਬਣਦਿਆਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ। ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਵਰਤਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜੋ ਹਰ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ,
आओ आप मिल के गुरु के इन अमृत बचना की विचार साझी करिए। मन करके गुरु चरणा नाल जुड़ते हैं, सुरत में एकाग्र करन दे लई गुरु चरणा का ध्यान धरते हैं, मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, तनासरी महला पंजवा, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। सतगुरु जी दे ए पावन बचन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र अंक 678 ते तनासरी राग विच अंकित ने सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी महाराज दे ए अमृत बचन हन। गुरुदेव मन नूं जिंद नूं संबोधन करके ये गल कहिंदे ने कि ए जिंदे, जिस परमात्मा ने तैनू इस धरती ते भेजे है, असीं रब दे भेजे से आए हैं ना। मनुख कोल धन आ जाए, कोई रुतबा आ जाए, मनुख बड़ा हंकार फूका मारदा है। मनुख ने कदी बैठ के सोचे है कि मैनू इस धरती ते आउण च मेरी की सियाणप है, मेरी की चतराई है, इन्नी सोहणी जिंदगी मिली है, इन्ना सुंदर शरीर मिले है, सरूप मिले है, बेअंत सहूलतां मिलियां ने, उहदे च मेरी की चतराई है। जे सुंदरता रब दी दित्ती है, जे सियाणप है रब दी दित्ती होई है, ये धरती रब की पौन पानी रब का बनाया, मेरा तो कुछ नहीं है। ये तो वाहेगुरु जी ने मैनू एक मौका दिता इस धरती से आनंद मानण का, पर मनुख के मंद भाग ने वो आप भी आनंद नहीं मानता, तो लोगों के आनंद में बर्बाद करी चलिया जाता है। गुरदेव कहिंदे भी जिस परमात्मा ने तेनू धरती से भेजे है, वो आप ही प्रेरणा करके तेनू अपने घर च बुला रहा है, अपने वल बुला रहा है। देखो परमात्मा चाहता हर मनुख उहदे च लिवलीन होए। एक माँ प्यो होंदा है ना, तो माँ प्यो की तेरीज होंदी उहदे सारे बच्चे लायक बन, उच्चे उठन, चंगे होण। कोई माँ प्यो चाहुंदा कि उहदा बच्चा एक नलायक होए ते दो चंगे होण? कोई नहीं चाहुंदा। उस्ताद चाहुंदा कि उहदे सारे स्टूडेंट चंगे इंटैलीजेंट होण, चंगे नंबरां च पास होण। कदी नहीं चाहुंदा कि कुछ पास हो जाण, कुछ फेल हो जाण। कोई चाहुंदा टीचर? इदां जिमीदार फसल बीजदा, फसल बीज के जिमीदार चाहुंदा कि हर बूटे नूं वधिया फल लगे। वह कदी चाहुंदा कि कोई बूटा उहदा माड़ा होवे? कदी नहीं चाहुंदा। परमात्मा चाहुंदा हर मनुख जिंदगी का आनंद माण के जाए। ये जिंदगी आनंद माणन दे लई है, अगे वधन दे लई है। ये जिंदगी को खा पी के जिंदगी बतीत करके इतों चले जाण लई नहीं है। अगाह कूतरांग पिछाह फेरना मोह डड़ा, नानक सिज अविहा वार बौड़ न होवी जन्मड़ा। गुरबाणी कहिंदी बंदिया अगे वध, असीं अगे वधन लई आए हाँ, उच्चे उठण लई आए हाँ, उच्चे उठण दा असीं रब बन लई आए। गोविंद मिलण की ए तेरी बरी आ, गोविंद नूं मिलण लई आए हाँ। असीं धनवान बन लई नहीं आए, असीं कोई दुनियावी मल्लां मारन लई नहीं आए। बड़े आए ने जिहड़े कहिंदे असीं धनवान सां, साडे राज भाग ने धरती ते लभदे ही नहीं। अज असीं आए सां रब बन दे लई, रब विच लिवलीन होण दे लई। भुख साडे अंदर परमात्मा ने रखी है। गुरदेव कहिंदे ये अगे वधण दी प्रेरणा रब वल्लों ही है, ते मना तू गुरु के उपदेश राही रब वल जे वध रहा है ना, ये जिस रब ने तेनू इस धरती ते भेजिया उहदी प्रेरणा नाल ही उह तेनू बुला रहा अपने वल। सुख सहज सेती कर आओ, ते तू सहज दर्थ हुंदे आत्मक अडोलता, आत्मक अडोलता दे राही तू अपने घर विच आ जा, निज घर च स्वै सुरू विच टिक जा, इत्थे सुख मान, सुख सहज इत्थे जिंदगी बतीत कर। देखो दुनियावी शरीरक तौर पर असी घर च ना रहीए, किन्ना बंदा परेशान हुंदा, बेघरा होवे, उहदे कोल घर ना होवे रहण लई किन्ना परेशान हुंदा है। जे शरीर कोल घर ना होवे परेशान हुंदा शरीर गर्मी विच, ठंड च, वर्खा च, ते जे मन कोल ही घर ना होवे। हुण मन अपने घर तो बाहर भज के फिर राजा बनना चाहुंदा, मन अपने घर तो बाहर भटक के फिर सुख मानना चाहुंदा। गुरु अमरदास जी महाराज का एक बड़ा प्यारा बचन मान योग भाई संतोख सिंह जी ने अंकित किया। जदों खंडूर साहब सेवा करते सन, अमृत वेले सतगुरु जी दे लई जल लैके आया करते सन। एक दिन तड़कसार जल लैके आ रहे ने, किले नूं ठेडा लगा, डिग पे, वर्खा की रुत्त है, सर्दी की रुत्त है, खड़ाक होया। नेड़े तेड़े गुआंढी सन, जुलाइयां दा घर सी, आपस च पति पत्नी चर्चा करते खड़ाक कादा होया। वह बीबी कहण लगी होएगा मरू न थावा, न दिने चैन न रात चैन। ये गल सतगुरु जी दे कन्नी पै गई।
बाबा अमरदास जी कह के कमली है अमरू नथावा नहीं है, वो तो गुरु घर सेवा कर रहे हैं, उन्हें गुरु है मिल गए। इतिहास कहिंदा बीबी अपनी सुध बुध गवा बैठी, गुरु साहब जी को पता लगा, गुरु साहब जी ने बुला लिया, बाबा अमरदास जी ने पूछा पुरखा अज सवेरे की वापरिया सी, कहणगे महाराज सारी घटना दसी ते नाले एक गल कही कि बीबी ने मैनू कमलियां कह दिता है। फिर कहणगे ठीक ही कह, मोहे निथाम इन कहो सो साच बखानी, जब लगा आत्म रूप को मन ले न जानी, थाए पाए कर थिर ना रहो तब लग निथाम। इन्हें मैनू निथाम कह, दरअसल ठीक है सतगुरु जी, जिन्ना चिर मन अपने निज घर च नहीं वह जाता, बंदा तो निथाव ही है ना, कोई घर तो बाहर भटक रहा है, असी घर च बैठे भटकते रहने, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। देखो ना घर च कादी चिंता है, किसी को घर नहीं उन्हों चिंता है, असी घर च बैठे चिंता चा, यह मतलब असी घर च है ही नहीं है, घर के सुख का सानू पता ही नहीं है। एक घर बहुत वड्डी प्रेरणा दिंदा है, घर कहिंदा बंदिया जिवें शरीर लई दुख सुख तो ठंड तो बचन दे लई तैनू घर मिलिया है, तिवें इस घर च रहिंदे आ, अपने मन का भी एक घर लभ लै, मन नूं भी अपने घर च लै आ, जो घर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तो दुवरतना तिसकी चिंता ना है। वो जिस घर च असली तेरा निवास होना उहदा तैनू पता नहीं है। गुरदेव कहिंदे मेरे मना जिस परमात्मा ने तैनू भेजिया वह तैनू प्रेरणा कर रहे अपने वल बुला रहे ने, तू आत्मक अडोलता राही अपने निज घर च वस, सुख सहित जिंदगी बतीत कर। आनंद मंगल गुण गाओ सहज तोना, नेह चल राज कमाओ। अपने घर विच टिक के आनंद मंगल गुण गाओ सहित, सहज आत्मक अडोलता च आत्मक रौ विच जुड़ के उस परमात्मा दे गुण गा जिहड़े सुखां दा कारण है। इवें अपने निज घर टिक के परमात्मा की सिफत सलाह कर, परमात्मा की कीर्ति कर, निश्चल राज कमाओ। आ जिहड़ा दुनियावी तो लोगों दुखी करके मल्ला मार रहे हैं, निश्चल नहीं है, ये वड्डे वड्डे राजे आए इस धरती तो चले गए, किसी का राज निश्चल नहीं है। पर जे तू गुरु के उपदेश राही सहज विच टिक के परमात्मा की कीर्ति करेगा, आत्मक अडोलता टिक के परमात्मा के गुण गाएगा, निश्चल राज कमाओ। निश्चल का अर्थ है सदा कायम रहने वाला राज तेनू मिल जाएगा, उस राज नू तू मान लवेगा। तुम कर आवो हो मेरे मीत, ऐ मेरे मित्र ए मेरी है जिंदे मन, तू अपने निज घर विच स्वै सुरू विच आके टिक जा। तुमरे दोखी हरे आप निवारे, आपदा पई बेतीत। जेड़े तेरे रस्ते च रुकावट ने, हुण मनुख अपने माया मगर लग के अपने घरों निकलिया, उहदे घर मर लिया दोखियां ने, काम क्रोध लो मोहंकार इत्थे जुड़ बैठे, जिहड़े नूं हुण टिकण नहीं दिंदे भजाई फिरदे ने, उहनां दे अधीन हो गया। साहिब जी कहिंदे तुमरे दोखी हर आप निवारे, ये जिहड़े दोखी ने साडे, इहनां तों असीं अपने जतनां नाल नहीं बच सकदे। कोई बंदा कहे मैं अपने जतन नाल क्रोध तो बच जावांगा, लोभ तो बच जावांगा, हंकार तो बच जावांगा, नहीं बच सकता। जिन्ना सुख असीं अपना जतन करते हाँ उन्ना ही साडे ते होर भारू होंदे जांदे ने। मैं जतन करांगा पाठ करांगा मैं बच जावांगा, पाठ करना तो उत्तम गल है, मैं जतन करांगा कोई धर्म कर्म करांगा बच जावांगा चंगी गल है, पर जे मैं करांगा तो बच जावांगा ये गल कदी सानू बचा नहीं सकती। सतगुरु जी ने एक गल की, पाठ पढ़िओ अरवेद विचार्यो निवल पुयंगम साधे, पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अहिंग बुद्ध बाधे। अपने जतना राही इन्हां पंजां तो छुटकारा नहीं मिलना, सगो होर ये वधदे चले जाने ने। साहब जी कहिंदे इन्हां तो बचण दा इको एक तरीक है कि परमात्मा दे चरणां च अरदास करिए कि राख पिता प्रभ मेरे, मैं निर्गुण सब गुण तेरे, पंच विखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे, खेद करें अर बहुत संतावे, आयो शरण तुहारे। महाराज जी तुहाडे दर ते मैं अरदास बेनती कर रहा, इन्हां तो बचण दा बड़ा जतन कीता है पर ये मैनू छड्डदे नहीं है। कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़े कतहु नाही, ये छड्डदे ही नहीं है, तुसीं आप कृपा करो। गुरदेव कहिंदे अपने जतनां दे राहीं आपां अगे नहीं वध सकदे। बाबा फरीद साहिब जी दा एक बड़ा प्यारा बचन जिथे भगत जी कहिंदे ने, पहले पैरे फुलड़ा फल पी पछा रात, जो जगन लहन से साई कनो दात। पाक पटन का इलाका अमृत वेला, एक रब का प्यारा ये पवित्र बचन बाबा फरीद साहिब जी दे गायन कर रहे हैं।
गुरु नानक साहब जी मरदाना जी समेत बैठे सुन रहे ने ते सतगुरु जी ये बचन सुन के कह लगे मरदाने आ ये जो बोल ने कहिंदे पहले पैरे फुलड़ा फल पी पछा रात रात दे पहले पैर कीती बंदगी फुल दी नहीं आई है अमृत वेले पिछली रात अमृत वेले उठ के रब दे प्यार जोड़ ये फल दी नहीं आई है जेड़े जागते ने वह रब के दर तो यह दात लै लेंगे ने पर कह लगे मरदाने आ जागना तो चंगी गल है यतन तो करना चाहिए पर एक गल मनुख नूं चेते रखनी चाहिए दाती साहिब संधियां क्या चल है तिस नाल एक जागन दे ना लहन एक ना सुतियां दे उठाल। बहुत सारे वो लोग ने जिहड़े कहिंदे असीं बड़े जागदे हाँ बड़े धर्म कर्म करदे हाँ बड़ी बंदगी करदे हाँ वह जागदे हुए भी सुते रहिंदे ने वह जागदे हुए भी अधिक अहंगुद वाधे का शिकार हो जाते हैं। धर्म की दुनिया च हंकार कोई धन का हंकार करे माड़ा है पर करदी है दुनिया पर धर्म का हंकार करे आप देखते हैं धर्म का ही हंकार बड़ा धर्म की दुनिया च कल कलेश वाद वाद लड़ाइया झगड़िया का कारण की केवल एक हंकार है धर्म तो हंकार को मेट दे। इस करके सतगुरु जी कहते जिन्ना आप यतन करांगे ना उन्हें ये वाधे जाने ने भाई तू सहज में आ गुरु के बचन राही तेरे इन दुखियों वाहेगुरु आप दूर करेगा वो बख्शिश की जाचना कर अपदा पई बतीत जदों वाहेगुरु बख्शिश कर देवे ना इन दुखियों तो मुक्ति की निजात दवा देवे उदो अपदा दर्थ विपता का समा फिर खत्म हो जाता है कोई विरोधी नहीं रहिंदा मनुख चैन दे नाल जिंदगी बतीत करता है जदों ये विकार तेरे अगे झुक गए तू इन्हां दी जित प्राप्त कर ली समझ तेरी विपता का समा लंघ गया रहाओ। सतगुरु जी विश्राम तो बाद रहाओ दर्थ है कि टिक के यह जो पंक्तियां ने जिन्ना शब्द का केंद्री पावे ना ध्यान नाल पढ़ो फिर बचन कह रहे हैं प्रगट कीने प्रभ करने हारे ना सुन भाजन थाके प्रगट कीने प्रभ करने हारे एक परमात्मा है जो करण कारण समर्थ एक परमात्मा है जिस भावे तिस आपन ना लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे परमात्मा ही करण कारण समर्थ है। इस करके हे भाई ये वाहेगुरु ने ही तेनों वडियाई दिती है मतां तू सोचे कि मैं अपनी जतन नाल अगे वध सकदा हाँ जा अपनी जतन दे नाल इन्हां विकारां ते काबू पा सकदा हाँ गुरमत दे अंदर वार वार सानू रब दी मेहर दे पात्र बनण दी प्रेरणा कीती है। वाहेगुरु तां मेहरां करदा ही है उह ते है ही मेहरवान साहे मेहरवान साहे मेरा मेहरवान सूरज है ना सूरज हर वेले चानण दिंदा ही रहिंदा है हुण सूरज को चानण लैण दे समर्थ सानू होना चाहीदा जे असीं लुक के किते खड्ड च वड़ गए कमरे च वड़ गए ते कहीए सूरज ने चानण ही नहीं दिता रब दा सुभा ही मेहरबान है वह सद बख्शिंद सदा मेहरबान पर असीं उहदी मेहर दे पात्र बन जाइए उहदी मेहर दे पात्र बणांगे उहदी रजा च आ गए उहदे भाणे नूं खिड़े मत्थे प्रवान करिए जो कुछ उह कर रहा है उहनूं उहदा भाणा मनीए अपनियां सियाणपां चतराइयां छड़ दईए। इस करके साहब कहिंदे उस करणहार परमात्मा जिहड़ा है भई उहने तैनूं इह वडियाई दित्ती है हुण तेरी जिंदगी चों नासन भाजन थाके आ जिहड़ी दौड़ भज है ना इधर उधर की चिंता जिहड़ी खत्म हो गई है घर मंगल वाजे नित वाजे अपने खसम निवाजे जिन्हां ते वाहिगुरु जी ने बख्शिश कीती निवाजस कीती है उन्होंने वाहेगुरु जी ने प्रगट कर दिता उन्होंने वडियाई दे दिती उन्होंने जिंदगी चो दौड़ भज नस पस जिहड़ी खत्म हो गई उन्होंने घर अंदर हिरदे दे अंदर मंगल वाजे नित वाजे मंगल दत्त खुशियां सदा आनंद हुंदा है खुशियां दे वाजे वजदे हन क्योंकि उन्होंने वाहेगुरु जी की बख्शिश हो गई वाहेगुरु जी की बख्शिश दे पात्र बनने अपना उहदी बख्शिश तो बिना असी जिंदगी भावें बाहरी तौर पर बहुत कुछ इकट्ठा कर लईए जां असीं बाहरी तौर पर बड़े राजगद्दियां दे मालक बन जाइए कुछ भी हो जाइए पर जो दी बख्शिश नहीं है तो असीं कुछ भी नहीं जिंदगी अंदर कभी सुखी नहीं हो सकते खुशहाल नहीं हो सकते। सो जिन्हां नूं वाहिगुरु जी ने निवाजिया है वह इस धरती ते नस भज तो मुक्त हो के वडियाई नूं माण लैंदे हन आस थिर रहो डोलो मत कबहू गुर कै बचन आधार सतगुरु जी कह रहे हे भाई तू गुरु के बचना नूं अपनी जिंदगी दा आसरा बना वाहिगुरु जी दी बख्शिश नूं प्राप्त करना ते उस बख्शिश दे पात्र बनना पएगा वाहिगुरु जी दी बख्शिश दे पात्र बनने लई सानूं गुरु के बचन मनने पैणगे गुरु की रजा मननी पएगी गुरबाणी
सानू वो जीवन प्रदान कर दी है जिदे असी अपने आप नू सवार सकीए। असी विगड़े हुए हैं, ये जो कुछ साड़ी जिंदगी है साड़ी नहीं है, दरअसल असी तो प्रभाव हेठ है, ये साड़ा सुभाव ही नहीं है। एक हुंदा प्रभाव, एक हुंदा सुभाव। साढ़े ते माया का प्रभाव है, आले दुआले का प्रभाव है। देखो असी संगत च बैठे हाँ, किने एकाग्रता है, किने मिल के बैठे। इत्थे को अमीर गरीब का, पढ़े लिखे का, घट पढ़े का, वध पढ़े का, कोई इत्थे फर्क नहीं है। इत्थे को बरादरी का फर्क नहीं है, ये प्रभाव है ना। पर जदों असी समाज च जाणा है फिर उत्थे जाके ए कौन है, मैं कौन है, वह फलानी बरादरी का, वह फलानी बरादरी का, उत्थे दा प्रभाव साढ़े ते पै जांदा है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे गुरु के बचना नू आधार बनाओ। गुरु के बचना नू आधार बनाओगे सहज विच, सहज सुभाव जिहड़ा साढ़े नाल पैदा होया सी सुभाव वह प्रगट होएगा। फिर की होएगा, अस्थिर रहो डोलो मत कबू। गुरु के बचना नू आधार बना के अस्थिर तरत हुंदा अस्थित हो जाना, टिक जाना, अपने मन नू टिकाई रखो, कदी डावांडोल ना होवो। गुरु के बचना नू आधार बनाओगे कदी डावांडोल होवेगी नहीं। मन नू टिकाउण दा इको एक तरीका है गुरु का शब्द, गुरु की बाणी ये गल कहिंदी है, जो मंदर को थम है थमन, क्यों गुरु का शब्द मने अस्थमन। जिवें थम है मकान दा आसरा, मन नू टिकाउणा है ते उहदे लई गुरु के बचना च अपनी सुरत जोड़िए, मन नू जोड़िए। कोई अपने अपने तौर पर जतन कर रहे हैं, कोई कहते साहब भुखे रहा मन टिक जाएगा, पुठे लटकिया मन टिक जाएगा, जा अखा मीटिया मन टिक जाएगा। पर गुरबाणी कहती जे मन नू टिकाउणा है ना, फिर गुर के बचन आधार, गुरु के बचना नू आसरा बना के अस्थिर रहो, सदा टिके रहो। भट्ट चांद जी ने एक बड़ी प्यारी गल कही जिते कहते चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दीए मन होड़ी है। मन तो बुरे पासे जाना चाहुंदा है, मन का सुभाव है ना निवाण वल जांदा है, निवाण वल जाना सौख है। पर इस मन नू जे तुसी उचे उठाउणा है ते उहदे लई गुरु के बचना का आसरा लै लो, उहनू आधार बना लो। गुरदेव कहिंदे गुरु के बचना नू आसरा बना के अस्थिर भाव टिके रहो परमात्मा दे प्यार च, डावा दौल ना हो, भरोसे च आ जाओ वाहिगुरु जी दे विच। जय जयकार सगल भूमंडल मुख उजल दरबार। मनुख चाहुंदा है मेरी धरती ते शोभा बने, वडियाई बने। आ जिन्नी असीं दौड़ भज करदे हां, कोई विद्या पढ़ रहा है, कोई राजनीतिक तौर ते वड्डा रुतबा चाहुंदा है, कोई धन चाहुंदा है, कोई अपनी दुनिया दे विच वडियाई चाहुंदा है। इको एक भुख है कि साडी दुनिया च वडियाई बने, उहदे लई असीं सब कुछ करे, शोभा दे लई ते सुख दे लई। पर सतगुरु साहब जी कहिंदे जे तुसीं गुरु के बचना नू आधार बना के परमात्मा दे प्यार च टिके रहोगे, जय जयकार सगल भूमंडल, तुहाडी सारी धरती ते जय जयकार होएगी। कोई किसी इलाके दा राजा है उहदी उस इलाके च ही जय जयकार हो सकदी है, सारे थां ते नहीं हो सकदी। को अमीर है उहदी कुछ इलाके च कुछ लोकां च जय जयकार हो सकती है, सारे थां ते नहीं हो सकती। पर सतगुरु जी कहिंदे जय जयकार सगल भूमंडल। गुरु साहब जी का एक बचन के सच्चा मार्ग चलदे आ उस्तत करै जहान। को जिन्ना मर्जी वड्डा राजा बन जाए, धरती का मालिक बन जाए, सारी दुनिया उहदी उस्तत नहीं करती। उहदे बहुत विरोधी उहदे कोल ही बैठे होणगे, उहनूं माड़ा कहण वाले उहदे कोल ही बैठे होणगे। इस करके सतगुरु जी कहिंदे जे तुसीं गुरु के बचना नू आधार बना के परमात्मा दे प्यार टिकोगे, सहज राही परमात्मा दे गुण गाओगे, जय जयकार सगल भूमंडल, सारी धरती ते तुहाडी जय जयकार होएगी। मुख उजल दरबार, और रब की दरगाह च भी तुहाडा मुख उजला हो जाएगा, उस सच्ची दरगाह तुसीं सुरखरू हो जाओगे। कई वारी बंदा धरती दे अपनी थोड़ी बहुती डंडे दे जोर नाल, पैसे दे जोर नाल जय जयकार कुछ लोगों को करा लैंदा, क्योंकि बड़े खुशामदी लोग मिल जाते हैं। अज समा जिहड़ा फूक शास्त्र दा ना, चापलूसां दा युग है, अपनी शोभा करा लैंदे ने लोग, मीडिया खरीदिया जाता, बंदे खरीदे जाते, नारे लाने लई बंदे खरीदे जाते हैं। कोई औखा कम नहीं है, तुसीं वड्डे वड्डे मिनिस्टर खरीद सकते हो, साडे मुल्क की नहीं खरीदिया जा सकता, सब कुछ खरीदिया जा सकता है। को बंदा अपनी जय जयकार करा लेगा कुछ चिर लई कुछ लोगों को कुछ थां ते, पर उहदी सारी धरती ते जय जयकार नहीं होएगी। धरती ते कुछ लोगों को करा लेगा, रब दीआं नज़रां चों सुरखरू नहीं होएगा। सतगुरु जी ने एक बचन किया सी, जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए,
चंगा नाव रखाए के जस कीर जग ले, जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के सब कुछ करा लेंगा, पर जे रब दियां नजरां च तेरा सुरखरू मुख ना होया ते तेरी किसी ने बात नहीं पुछनी। मुख उज्जल दरबार, वाहिगुरु जी दे दर ते तेरा मुख उजला होएगा। जरूरी नहीं जिन्हां दी धरती ते आम लोग जय जयकार करते हैं रब दी नज़रां च भी जय जयकार होए, जरूरी नहीं है। इस करके साहब कहिंदे बंदिया जे गुरु के बचना राही वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़ के उहदे मंगल गाएगा, गीत गाएगा, इस धरती ते भी तेरी जय जयकार होएगी, वाहिगुरु जी दे दर ते भी तेरा मुख उजला होएगा। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना, उन्हां दा मुख उजला तो हुंदा ही है, उन्हां करके होर कईआं नूं भी छुट्टी पाव, ओ दुखां तो मुक्त हो जांदे हन। जिन के जीओ ते नहीं फेरे आपे भया सहाई। भाई जिस वाहिगुरु जी दी ये जिंद है, असी सारे जीव वाहिगुरु जी दे हन, ये तो एक बड़ा तगड़ा भरम है कि शरीर मेरा है, घर मेरा है, साडा है कुछ नहीं है। गुरबाणी कहिंदी जाग लेहो रे मन जाग लेहो, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजिया संघ ही सो पी सगना होया। सतगुरु जी कहिंदे जाग होश कर, तू कहना घर मेरा है, वो बंदिया तेरा तो शरीर भी तेरा नहीं है। जो बंदा चढ़ाई कर जाए ना आप कहने शरीर छड़ गया, चलो उन्हें बाहर कढ़ आईए, बंदा शरीर भी नहीं लैके जाता, सारी जिंदगी कहना घर मेरा, धन मेरा, मेरा मेरा करता, लोगों को तंग करता रहा, आप ही परेशान होंगे, जान लगा शरीर भी नहीं लैके जाता, वह भी इतें रह जाता, वह भी चार बंदे बाहर कढ़ते हैं। इस करके सतगुरु जी कहते ये सब कुछ जिसका तन मन धन सब तिसका, ये तन मन धन सब कुछ परमात्मा का है। जिस परमात्मा का यह जी है जिंद है, उस परमात्मा ने फेर के अपने चरणों नाल जोड़ना सानू, उदी बख्श तो बिना उदे प्यार च नहीं जुड़ सकते, साडियां सियाणपां चतराइयां किते कम नहीं आउणियां, वो आप ही जीव का मददगार बनता है, बख्शिश करता है, अपने विच लिवलीन कर लैंदा है। अचरज किया करण हारे नानक सच वडियाई। तन गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहिंदे हे भाई ये वाहिगुरु जी ने बड़ी हैरान कुल गल की है, अचरज खेड है परमात्मा की, ये परमात्मा की दिती वडियाई सदा कायम रहने वाली है, साडियां वडियाइयां जड़ियां ने होछियां ने थोड़ियां ने। इस करके साहब कहिंदे जदों को बंदा गुरु की मात्रा ही अपने घर च टिक के परमात्मा दे गुण गाउंदा है, वह प्रगट हो जाता है, उन्हें वडियाई मिलती है, इस धरती ते उहदी जय जयकार हुंदी है, ते वाहिगुरु जी दीआं नज़रां च वी उहदा मुख उजला हो जाता है, सुरखरूर हो जाता है। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज इस मुखवाक राही सानू गुरु के बचना राही रब की रजा च वाहिगुरु जी के भाणे विच चल के स्वैसरू में जुड़ के उहदे गुण गायन करके अपने जीवन में सफल बनाउण की प्रेरणा करते हैं। वाहिगुरु जी की बख्शिश तो बिना असी जिंदगी कभी महान बन नहीं सकते, उहदी बख्शिश मिलनी है गुरु की बख्शिश राही, जिवें सतगुरु जी ने इस मुखवाक के राही सानू रब की रजा च चलन की प्रेरणा की। सतगुरु मेहर करन ये बचन साडे हिरदे च वसन, इस स्थान की मर्यादा अनुसार जो लड़ीवार मुख वाक दी रोज आप जी कथा सरवण करते हो उस दी विचार भी अपन सरवण करिए जी। राम कली महला पंजवा कोई बोले राम राम कोई खुदाए। ये पवित्र शब्द भी गुरु अर्जन साहब जी महाराज दा राम कली राग विच्चों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र अंक 884 ते सवाईमान है जो आप जी सरवण कर रहे। इस मुखवाक राही भी सतगुरु जी ने रब्बी हुक्म का जिक्र किया। साहब जी कहिंदे धरती ते जिन्हें लोग रहिंदे ने कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई परमात्मा नू राम राम कह के चेते करदा है, को खुदा कह के उन्हें याद कर रहा है। कोई सेवा गुसाईया कोई अलाहे, कोई गुसाई कह के, गुसाई का अर्थ हुंदा है गो मैना पृथ्वी, साई मैना मालक, जो पृथ्वी का मालक, को गुसाई कह के उदी सेवा करता है, को अल्लाह कह के उन्हें याद करता है, उदे गुण गायन करता है। कारण कारण करीमा, और वह वाहिगुरु जेड़ा कारण करण है, सब कुछ नूं करन वाला है, करण कारण समर्थ है, करीम दर्थ वह बड़ा ही कृपालू है, वह बड़ी बख्शिश करन वाला है। कृपा तार रहीमा, वह वाहिगुरु जी हमेशा ही कृपा दृष्ट करता है, कृपा धारदा है जीवन के उपर, रहीम वह बड़ा रहम दिल है। ये वक्रे वक्रे नावों राही लोग उन्होंने याद करते, को रहीम कहिंदा है,
को कृपालू कहिंदा है, को दयालु कहिंदा है, को करण कारण कहिंदा है, को अल्लाह कहिंदा है, को खुदा कहिंदा है, को राम कहिंदा है। रहाओ विश्राम दे के सतगुरु जी कह रहे हैं, कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए, कोई तीर्थां ते नहा के सोचता मैं रब नूं प्राप्त कर लवांगा, वह तीर्थां दा इशनान करदा है, को हज करन लई जिवें मुसलमान वीर मक्के दा हज करन लई जांदे हन, कोई हज करदा है, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए, कोई पूजा करदा है जिवें फुल अर्पण करके, हिंदू वीर जिहड़े ने चंदन आरक होर साधन राही अर्चा पूजा करदे ने, कोई पूजा करदा है, और कोई जिहड़ा है सिर न्याय नमाज पढ़दे जिवें मुसलमान वीर, कोई नमाज पढ़दे सिर झुकाउंदे हन, कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई वेदां नूं पढ़दा है, कोई कतेबां नूं, कतेब जिहड़े अंजील त्रेत जमूर आदिक बाइबल आदिक ये जिहड़े तौरे ग्रंथ ने, कतेबां नूं पढ़दा है, कोई कोई ओडै नील कोई सुपेद, जिवें कोई रब दे वक्रे वक्रे नाम लैके उहनूं चेते करदा है, जिवें कोई वक्रे वक्रे तरीके राहीं उहदी बंदगी करदा है, जिवें वक्रे वक्रे थावां ते जा के कोई उहदे प्यार जोड़ना चाहुंदा है, तिवें कोई वक्रे वक्रे कपड़े पा के भी सोचदा मैं धार्मिक बन गया, कोई ओडे नील कोई नीले कपड़े पा के सोचदा मैं धार्मिक हाँ, कोई चिट्टे कपड़े पा के सोचदा मैं धार्मिक बन गया हाँ, ये आपो अपनी इवें कह लो रस्ते अनुसार हर कोई रब वाले बन्ने लगन दा यतन करदा है। कोई कहे तुरक कोई कहे हिंदू, कोई कहिंदा मैं तुरक हाँ, कोई कहिंदा मैं हिंदू हाँ, और अपने आप नूं हिंदू तुरक बना के आपां देखदे अपने अंदर कोई माण करदा है हंकार करदा है, तुरक हिंदू दे नां ते वाद वाद जिहड़े चलदे ने इस तरीके नाल दुनिया चल रही है। कोई बाशै पिसत कोई सुर गिंदू, ते कोई सोचदा कि तीर्थां ते नहा के धर्म ग्रंथ पढ़ के जां धार्मिक लिबास पा के मैनूं बिस्त मिल जाएगी, कोई कहिंदा मैनूं सुरग मिल जाएगा, आपो अपने इष्ट जां मजहब अनुसार हर कोई आपो अपनी सोच अनुसार काम कर रहा है। कहो नानक जिन हुकम पछाता, सतगुरु जी ने आखरी पंक्तियां च शब्द दा जो केंद्री तत् निचोड़ है वह कह दिता, तत् सार जिन्हों आप कहने सेंट्रल आइडिया इतने अंकित कर दिता, कोई राम कह के खुदा कह के अल्लाह करके कोई गुसाई कह के याद करे, को मंदिर जाए मस्जिद जाए, को वेद पढ़े कते पढ़े चिट्टे कपड़े पाए नीले पाए, सब कुछ दुनिया ते हो रहे है, पर सतगुरु साहब जी कहने कहो नानक जिन हुक्म बछाता, हे नानक जिस मनुख ने रब की रजा नूं समझ लिया, रब के हुक्म नूं समझ लिया, ये धर्म ग्रंथ पढ़ने ने रब की रजा नूं जानन दे लई उहदे विच चलन दे लई, धर्म ग्रंथ पढ़दे जे हंकार च ही आ गए तो सानूं की मिलेगा, इस करके साहब कहने कहो नानक जिन हुक्म बछाता, जिन्हें पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवणा, गुरबाणी कहती है नानक हुक्मे जे बुझै हउमें कहे ना कोई, जिहड़ा हुक्म नूं समझ लैंदा अहंकार तों मुक्त हो जांदा है। सतगुरु साहब जी कहिंदे जिस मनुख ने वाहिगुरु जी दे हुक्म नूं जान लिया, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता, उस वाहिगुरु जी दे भेद नूं उहदे सुभाव नूं कि वाहिगुरु जी दा सुभाव की है, उहदी रहमत नूं असीं किवें मानणा है, इस भेद नूं उह बंदा जाण सकदा है जिहड़ा वाहिगुरु जी दे हुक्म नूं समझदा है। हुण वाहिगुरु जी दे हुक्म नूं समझण लई असीं की करिए, वाहिगुरु नज़र नहीं आउंदे, उहनां दा कोई रंग रूप चक्कर चिहन जात पत है ही नहीं है, वाहिगुरु जी दे हुक्म नूं समझण लई आपां गुरु के हुक्म च आ जाइए, बिल्कुल उदां जिवें मैं बेनती कीती सी कि वड्डे काम करन लई पहलां छोटे तजर्बे करने पैंदे ने, छोटे मॉडल तैयार करने पैंदे ने, गुरु दे दर ते आ के हुक्म मनण दी जाच आ गई जां गुरु के हुक्म विच चलण दी जाच आ गई, रब की रजा का आपे पता लग जाएगा। इस करके साहब कहते जिन्हें रब के हुक्म नूं जान लिया वो रब के सुभाव नूं समझ लैंदा है, उवें बहुत दुनिया जिहड़ी वक्रे वक्रे तरीके नाल परमात्मा नूं याद कर रही है, दोवां पावन शब्दों के अंदर सतगुरु जी ने रबी रजा में चल के उहदी रहमत के पात्र बनने की सानूं प्रेरणा की है। गुरु साहब जी बख्शिश करन असीं गुरबाणी राही गुरु के हुक्म नूं पछाणदे होइआं उस वाहिगुरु जी की रजा में चल के अपने जीवन नूं सफल बना सकीए जी, इनियां बेनतियां प्रवान करनियां पुल चुक दी खिमा करनी, सतगुरु सच्चे पातशाह समूह संगत नूं अपने दरों करो नामदान बख्शन, सतगुरु जी का कोटान कोट धनवाद जिन्हां दी बख्श सदका तुहाडे दीदार प्राप्त होए ने, गुरु रूप साध संगत जी का धनवाद,
समुची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मानयोग सिंह साहब जी का धन्यवाद और गुरु साहब जी कृपा कर सारे अपने दरों नामाणी का प्यार बख्शन। आखिरी पंक्तियां मानयोग भाई साहब जी सुना रहे हैं, इहदे नाल ही समाप्ति है जी। कहो नानक जिन हुकम पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।